नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मौलाना मसूद पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, नहीं लिया है हिरासत में। कुख्यात आतंकी और पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर और उसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को लेकर पाकिस्तान द्वारा बोला गया झूठ एक बार फिर सामने आ गया है। खुफिया जानकारी के अनुसार मौलाना मसूद अजहर को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही उसे नजरबंद किया गया है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अजहर के खिलाफ पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है तथा भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी समूह के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होते दिखाई नहीं दे रही है। दलित छात्र की मौत, केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय के खिलाफ एफआईआर। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक दलित शोध छात्र की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना से नाराज छात्रों ने दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एचआरडी मंत्रालय ने जांच के लिए 2 सदस्यीय तथ्यान्वेषी दल का गठन किया है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और विश्वविद्यालय के कुलपति के भी नाम है। दोनों को उनके पदों से हटाने की मांग भी उठी है। ट्रेन में विधायक ने की दंपति के साथ बदसलूकी। बिहार में जदयू विधायक सरफराज आलम के खिलाफ पटना राजकीय रेल पुलिस थाने में डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी ट्रेन से यात्रा कर रहे एक दंपति से बदसलूकी के मामले में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। पटना रेल पुलिस अधीक्षक प्रकाश नाथ मिश्र ने बताया कि डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की A4 बोगी में यात्रा कर रहे इंद्रपाल सिंह बिंद ने विधायक सरफराज आलम, उनके एक अंग रक्षक और एक अन्य सहयोगी पर अपने साथ अपनी पत्नी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।